आज की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा? आज हम किस पॉइंट पे बात करेंगे? देखो, मैं आज जो आपके सामने डाटा रखने वाला हूँ, इस डाटा से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मैं आपके सामने यहाँ पे दो रीज़न लेके आया हूँ जिसके चलते आप समझ पाओगे कि SIP क्यों बेहतर है लमसम से, SIP क्यों अच्छा है लमसम से। ऐसे तो देखो बहुत सारे आंकड़े हैं, उसके हिसाब से देखोगे तो लमसम आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा। ऐसे स्ट्रैटेजी है जहाँ पे SIP काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने दो रीज़न रखने वाला हूँ। इन दो रीज़न के बेसिस पे आप काफ़ी इजीली समझ सकते हो कि क्यों SIP लमसम से बेहतर है। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो मार्केट में जब गिरावट होता है और गिरावट होने के बाद जब रिकवरी होता है तो रिकवरी में सबसे कम समय लगता है SIP को रिकवर करने में। जबकि अगर आप लमसम की बात करोगे, जबकि आप यहाँ पे इंडेक्स की बात करोगे, तो वहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो रिकवरी है वो थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपके सामने डाटा रखता हूँ। देखो 2020 के आंकड़े पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले 2020 के आंकड़े में हमें ये देखने को मिला कि निफ्टी का जो गिरावट हुआ उसके बाद जिस पॉइंट से गिरावट हुआ, जहाँ से निफ्टी 50 गिरा और फिर गिरने के बाद जो एक 2020 में बॉटम बनाया, उसके बाद जो रिकवरी हुआ उसमें निफ्टी 50 को ऑलमोस्ट 12 मंथ का समय लग गया। जबकि जो SIP था उसमें जो रिकवरी देखने को मिला है उसमें सिर्फ 6 मंथ का ही समय लगा है। तो यहाँ पे 2020 के गिरावट में ये देखा गया कि SIP रिकवरी जल्दी करता है कंपेयर टू अगर आप कोई निफ्टी 50 या लमसम का वहाँ पे रिकॉर्ड देखोगे तो। यही नहीं, मैं 2008 के डाटा भी आपके सामने रखता हूँ। 2008 का अगर मैं डाटा रखूँ तो 2008 के गिरावट के बाद, जी हाँ, जो यहाँ पे निफ्टी बॉटम एक बनाया, उस बॉटम से जब निफ्टी रिकवर किया तो निफ्टी 50 का रिकवर करने में यहाँ पे 34 मंथ्स लगा। जबकि अगर SIP की बात करें तो यहाँ पे 18 मंथ का समय लगा। तो देखो 2008 में भी बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था और 2020 में भी बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला था। और इन दोनों गिरावट में आप अगर SIP का रिकवरी देखोगे तो वो सबसे फास्ट देखने को मिला है कंपेयर टू अगर मैं निफ्टी 50 का लमसम की बात करूं तो। तो ये तो तय है कि SIP में आपको जल्दी रिकवरी देखने को मिलता है अगर मार्केट गिरता भी है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि SIP बेहतर है। ये रहा फर्स्ट रीजन। अब दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे रीजन में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो शुरुआती दौर में आप अगर देखोगे तो नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, चाहे आप लमसम की बात कर लो, SIP की बात कर लो। लेकिन SIP में जैसे जैसे आप समय ज़्यादा देते हो नुकसान होने का चांस एकदम जीरो हो जाता है। आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले 3 साल के ड्यूरेशन में जो मैक्सिमम रिटर्न के चांसेस बनते हैं SIP में वो 82.4% के करीब में है। वहीं पे अगर आप देखोगे मिनिमम रिटर्न की बात करोगे तो यहाँ पे 36.2% का एक नेगेटिव रिटर्न दिख सकता है। ये 3 साल का डाटा है। अगर 5 साल के डाटा की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न जो होगा वो परसेंटेज वाइज 50% हो सकता है और मिनिमम रिटर्न भी आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है, -10.5। वैसे ही अगर 8 साल के ड्यूरेशन की बात करूं तो मैक्सिमम रिटर्न यहां पे 41% के करीब में होगा और मिनिमम जो रिटर्न है 1.4% के करीब में। अगर समय आप 10 साल देते हो तो यहां पे देख सकते हो मैक्सिमम जो रिटर्न है वो 29.6 है और मिनिमम रिटर्न 4.6% के करीब में। 15 साल के ड्यूरेशन में जो मैक्सिमम रिटर्न हो रहा है वो 18.1 और जो मिनिमम रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 7.4% के करीब में। इट मीन्स कि देखो 5 साल के बाद अगर आप 8 साल का आंकड़ा देखोगे तो 8 साल के आंकड़े में आपको नुकसान होने का चांस एकदम जीरो है और यहाँ पे मैक्सिमम जो रिटर्न है वो आप देख सकते हो ऑन द एवरेज 40% के ऊपर देखने को मिल सकता है। आप ये भी देखो SIP में शुरुआती दौर में ज़्यादा रिटर्न भी मिलने का चांस है लेकिन ज़्यादा नुकसान होने का भी चांस है। चलिए और भी मैं आपके सामने डाटा रखता हूँ। अगर मैं परसेंटेज टाइम नेगेटिव रिटर्न्स की बात करूँ तो 16% चांस है कि आपका नेगेटिव रिटर्न हो सकता है अगर आप 3 साल
के लिए SIP करते हैं, अगर आप यहाँ पे 5 साल के लिए SIP करते हैं तो 9% चांस है कि नेगेटिव रिटर्न हो सकता है। अगर आप 8 साल या फिर 10 साल या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 0% चांस है कि आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। यही SIP का खूबसूरती है कि देखो आप समय ज़्यादा देगो तो नुकसान होने का चांसेस 0% हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि परसेंटेज टाइम मोर देन 10% रिटर्न, इट मीन्स कि 10% से ऊपर का रिटर्न का परसेंटेज क्या होता है, अगर मैं 3 साल 5 साल का डाटा देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 55% चांस बनता है। अगर 3 साल आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10% के ऊपर का रिटर्न हो, 5 साल में यहाँ पे 72% का चांस बन रहा है। जैसे ही 8 साल 10 साल और 15 साल में जा रहे हो तो ये चांसेस इंक्रीज हो रहा है, 15 साल में ये 97% चांस बन रहा है। इट मींस कि 10% के नीचे तो आपको यहाँ पे रिटर्न देखने नहीं मिल सकता है। तो SIP में आप देखो नुकसान होने का चांसेस 0% है जैसे ही आप यहाँ पे 5 साल से ऊपर इन्वेस्ट करना यहाँ स्टार्ट कर दो। तो इन दो रीजन के चलते मैं इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि SIP बेहतर है लमसम से। नुकसान होने का चांस 0% है अगर आप यहाँ पे 5 साल के ऊपर का समय देते हो। और दूसरी बात जो मैंने पहले आपके सामने रख दिया था कि SIP जल्दी रिकवर करता है, मार्केट में गिरावट होता है तो SIP आपको जल्दी पैसा बना के दे देता है या जल्दी उस लेवल पे आपको लेके आ जाता है जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, इट मीन्स कि ब्रेक इवन पॉइंट पे काफ़ी जल्दी आपको ला के खड़ा कर देगा। जबकि अगर आप लमसम Nifty 50 से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैं जितना भी आपके सामने डाटा रखा हूँ कि जैसे ही आप 5 साल के ऊपर का समय देते हो तो 0% चांसेस होता है नेगेटिव रिटर्न, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्टर फंड में पैसा लगा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनेशनल फंड में पैसा लगा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई थीमेटिक फंड में पैसा लगा रहे हो और उसमें नुकसान होने का चांस नहीं है। देखो अगर आप एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना के चल रहे हो और यहाँ पे 5 साल के ऊपर का समय दे रहे हो तो वहाँ पे चांसेस 5 साल के बाद 0% हो जाता है कि आपका SIP नेगेटिव रिटर्न दे। लेकिन आप सिर्फ एक अग्रेसिव फंड, सेक्टर फंड, थीमेटिक्स फंड्स या फिर आपको इंटरनेशनल फंड को फोकस करके ये सोच रहे हो 5 साल के बाद तो यहाँ पे 0% चांस है ना मेरा नुकसान हो तो प्रॉफिट तो होना ही होना है, ये कोई गारंटी नहीं है। आज के डेट में अगर आप टेक्नोलॉजी फंड की बात करोगे 2 साल में यहाँ पे 2.5 साल में ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा नहीं बना है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो 4 साल 5 साल में ऑन द एवरेज 8% और 9% का भी रिटर्न दिए हैं। ये जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है उसके साथ आपके सामने ये आंकड़े रख रहा हूँ। अब आप समझ गए कि SIP क्यों जरूरी है और SIP जो है छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 लाख है 20 लाख है तभी आप पैसा लगाओ, आप 2,500 और 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे समय दोगे तो पैसा जरूर बनेगा। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए, आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें, फिर लाइक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।